नमस्कार दोस्तों एन एस सी एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही हो सकता है एनएससी में इन्वेस्ट करने से ड्यूअल बेनिफिट्स मिलते हैं पहला टैक्स सेविंग्स और दूसरा गारंटीड रिटर्न अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एन एस सी इस स्कीम में एक अडल्ट सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है मैक्सिमम थ्री जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं गार्डियन अपने माइनर के बिहाफ पर अकाउंट ओपन कर सकता है या फिर एक माइनर जो 10 साल से ऊपर है वो भी अपने नाम पर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ इंडिविजुअल्स ही एन में इन्वेस्ट कर सकते हैं एन भी नए एन अकाउंट्स नहीं खोल सकते अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट पर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हजार रुपए जिसे बढ़ा सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड एन में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अकाउंट्स पर भी कोई लिमिट नहीं है नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन एनएससी का लॉक इन पीरियड है फाइव इयर्स अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज करती है एनएससी का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8 जो कंपाउंड होता होता है पर पर होता है। पर पर पे ही ध्यान रखें जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंडिविजुअल एनएससी में इन्वेस्ट करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक हो जाता है मचॉरिटी तक जैसे कोई इंडिविजुअल आज 6.8 परसेंट पर इन्वेस्ट करता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मचोरिटी तक 6.8 परसेंट ही रहेगा इंटरेस्ट रेट रिविजन का इफेक्ट सिर्फ नए अकाउंट पर होगा एग्जिस्टिंग अकाउंट पर नहीं चलिए अब देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिक्स पर अगर आज हम 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं एन में एट सिक्स परसेंट तो उसका इंटरेस्ट आएगा 3,895 तो टोटल मचोरिटी में जो प्रोसीड्स मिलेंगी वो होगा 13,895 अगर हम वन लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर इंटरेस्ट है थर्टी एट थाउजेंड नाइन फोर्टी नाइन तो मचोरिटी पे मिलेगा वन लाख थर्टी एट थाउजेंड नाइन फोर्टी नाइन अगर हम डेढ़ लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे 58, 424, 2, 8, पर इंटरेस्ट होगा फिफ्टी एट थाउजेंड फोर ट्वेंटी फोर और मचोरिटी प्रोसीज होंगी टू लाख एट थाउजेंड फोर ट्वेंटी फोर दस लाख के इन्वेस्टमेंट पर थ्री लाख एटी नाइन थाउजेंड फोर थ्री का इंटरेस्ट होगा जो मच्योरिटी पे थर्टीन लाख एटी नाइन थाउजेंड फोर थ्री है चलिए अब देखते हैं टैक्स बेनिफिट को एनएससी में करे गए डिपॉजिट को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन सी में डिडक्शन की तरह क्लेम किया जा सकता है अब क्वेश्चन आता है एनुअल अक्रूड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक मिलता है अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे टी नहीं काटते फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक इंटरेस्ट री होता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो इस अक्रूड इंटरेस्ट को इन्वेस्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेंगे और फिर सेक्शन 80C में डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं अगर सेक्शन एटीसी की डिडक्शन फुल यूटिलाइज नहीं की है ऐसा आप फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक कर सकते हैं जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगा मैच्योरिटी पे यानी कि फिफ्थ ईयर में वो टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इंडिविजुअल को इस पर टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर टैक्स लैबरेट्स एनएससी का लॉग इन पीरियड है फाइव ईयर्स और इसमें विड्रॉल अलाउड नहीं है अब देखते हैं प्री क्लोजर जैसे हमने अभी बात करी कि एनएससी में फाइव इन पीरियड होता है इसलिए इसमें प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड नहीं है सिर्फ कुछ केसेस में प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है जैसे कि डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर या कोर्ट ऑर्डर या फिर फोर फीचर बाय प्लेजी अगर वो गजटेड ऑफिसर है तो एनएससी को लोन्स के लिए कोलाट्रल की तरह भी यूज किया जा सकता है एन के अगेंस्ट बैंक्स और एन से लोन भी अवेल किया जा सकता है आई होप आपको इस वीडियो से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी मिल गई है जिससे आप एन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो